इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। यूक्रेन को लेकर एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ वेस्टर्न देश। पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने बाजार में चिंता पैदा कर दी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट देशों की तरफ से प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यूएस सोयाबीन 1490 डॉलर के पार कारोबार करती दिखाई दी। ब्राजील और अर्जेंटीना में खराब मौसम के चलते सोयाबीन के उत्पादन में कटौती की गई है। ब्राजील और अर्जेंटीना की वैश्विक सोयाबीन आपूर्ति में बहुत मुख्य भागीदारी रहती है, जिसके चलते इसका असर पूरे विश्व में सोयाबीन की कीमतों पर देखने को मिलता है। बीते सप्ताह एशियाई कारोबार में शीर्ष निर्यातक भारत के चावल की निर्यात कीमत में कमी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों ने कहा है कि पिछले सप्ताह ये कीमत 7 महीनों से भी अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाने के बाद अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए में आई कमजोरी की वजह से चावल की निर्यात कीमत में नवीनतम कमी आई है। दूसरी ओर नई फसल के उत्पादन तथा त्योहारी सीजन के पूर्व अन्य प्रमुख एशियाई निर्यातकों के चावल की कीमत में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ। खाने का जायका बढ़ाने और कोरोना महामारी में लोगों के काम आने वाली औषधि अदरक का भाव इस वक्त औंधे मुंह गिरा है। वजह एक्सपोर्ट नहीं होना है। किसानों को अदरक की फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। अब वे सरकार से अदरक का MSP तय करने की मांग कर रहे हैं। गुजरात की कई प्रमुख मंडियों में बीते कुछ दिनों से नई फसल के जीरे की आवक हो रही है। ऊंझा में भी नया जीरा दैनिक आधार पर आ रहा है। फिलहाल इसकी करीब 10 से 12 बोरियों की आवक होने तथा कीमत 4,000 रुपये प्रति 20 किलोग्राम से भी ऊंची बनी होने की सूचनाएं आ रही हैं। आगामी दिनों में हाजिर में जीरे की आवक का पर्याप्त दबाव बनने से पूर्व में इसकी कीमत मजबूत ही बनी रहने का अनुमान है। सप्लाई कमजोर होने तथा ग्राहक के निकलने से हाल ही में राइस ब्रान ऑयल के भाव 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए। भविष्य में इससे गिरावट की संभावना कम है। बाजार सीमित दायरे में घूमता रह सकता है। रिफाइंड व ब्लेंडिंग वालों की मांग बढ़ने तथा आपूर्ति कमजोर होने से एक महीने के दौरान राइस ब्रान ऑयल के भाव 1,000 रुपये बढ़कर 10,550 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। धान की पैदावार में झारखंड में बढ़ोतरी हुई है। कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में कृषि विभाग ने जो रिपोर्ट केंद्र को भेजी है, उसके मुताबिक राज्य में 58 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा खरीफ फसलों का उत्पादन का है, जबकि सिर्फ धान की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक 2021 में राज्य में 48 लाख मेट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है। कश्मीर के सेब किसान इन दिनों काफी चिंतित हैं, क्योंकि उनके द्वारा उपजाए गए सेब की करोड़ों पेटियां अभी भी कोल्ड स्टोर में रखे हुए हैं, क्योंकि ईरान के सेब यहां के बाजार में सस्ते दाम में आ रहे हैं। इसके कारण कश्मीर के सेब की मांग कमजोर हो रही है। गौरतलब है कि सेब की खेती कश्मीर के अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। चालू सप्ताह के आरंभिक कारोबारी दिन शिकागो का मार्च 2022 सोयाबीन वायदा आरंभिक कारोबार में अपने नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिण अमेरिका में फसलों पर सूखे की मार और पड़ने की आशंका से सोयाबीन वायदा लगातार दूसरे दिन भी तेज हुआ है। गेहूं वायदा में भी तेजी आई, जबकि मक्के के माप मजबूत बने रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश कर दिया है। संसद में पेश हुए सर्वे के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था पर ओमिक्रॉन का खास असर नहीं पड़ा है। कोविड की तीसरी लहर के बावजूद अर्थव्यवस्था में रफ्तार बनी हुई है। वहीं एग्री सेक्टर का स्थिर प्रदर्शन आने वाले वित्त वर्ष में जारी रहने का अनुमान है। महंगाई के भी आने वाले समय में नियंत्रित रहने का अनुमान दिया गया है। कुल मिलाकर पेश हुआ आर्थिक सर्वे संकेत दे रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था महामारी के असर से निकल चुकी है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।